नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। कोडरमा जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। यहां राज्य में सबसे ज्यादा 189 एक्टिव केस हो गए हैं। जिले के कई अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। संक्रमितों में एसपी और डीएफओ तथा सदर अस्पताल के कई कर्मी, एसडीओ कार्यालय के कर्मी, मर कच्छों की महिला, चिकित्सक और अन्य लोग इसमें शामिल हैं। कोडरमा जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर जांच में 31, ट्रूनेट मशीन से हुई जांच में 18 और रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में 14, यानी कुल 63 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। संक्रमित लोग जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं। जिले के शहरी क्षेत्र कोडरमा और झुमरी तलैया में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इन 63 नए केस के साथ जिले में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 189 हो गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर 519 नए लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए। हालांकि इस दौरान 293 लोगों की कोरोना जांच नेगेटिव आई है। यहां के 1106 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी प्रक्रियाधीन है, यानी रिपोर्ट आना बाकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश दुनिया में इसकी जानकारी मिल रही है, उसके अनुरूप कदम भी उठाए जा रहे हैं। जहां तक तैयारी की बात है तो सरकार निरंतर तैयारी करती रहती है। टीकाकरण की गति बढ़ाई जा रही है। 3 जनवरी से विशेष डोज की तैयारी भी हो रही है। लोगों से अपील है कि वो सावधानी बरतें और अपना बचाव करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।